नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और चंद्रयान 2 के इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 2 2019 जुलाई का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था और इसरो ने इसमें बहुत ही बड़ी सफलता भी प्राप्त की थी। चंद्रयान 2 को लेकर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सोशल मीडिया में अफवाहें और बहुत सी चीज़ें लेकर चली हुई हैं कि चंद्रयान 2 वापस से चल गया है। सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और अच्छी प्रकार से सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर चालू कर लें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, चंद्रयान 2 पर पूरे भारत की उम्मीद थी और पूरा विश्व इस पर नज़र रखे हुए था। जब जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, तब उसके कुछ ही दिन पश्चात जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह के निकट पहुंचा, तो उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। चंद्रयान 2 लगभग 300 मीटर ऊपर ही सिग्नल देना बंद कर गया और सभी को लगा कि क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग होने के बाद सभी ने चंद्रयान 2 का जिक्र बंद कर दिया, लेकिन इसरो के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स आने लगे, नासा की तरफ से बधाइयां आने लगी और अनेक प्रकार की रशिया की रोस्कोस्मोस और कनाडा की स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्स के साथ साथ अनेक प्रकार की विश्व भर की स्पेस एजेंसी से इसरो को न्योते आने लगे। तो इसका सबसे मुख्य कारण था चंद्रयान 2 का एक कम बजट में तैयार होना। तो इसी के लिए पूरा विश्व जानकारी लेने के लिए तड़प रहा है कि चंद्रयान 2 इतने कम बजट में किस प्रकार से इसरो ने सफल किया। दोस्तों, चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद भी चंद्रयान 2 इतना सफल हुआ कि इसने इसरो का नाम और मोदी जी का नाम के साथ साथ भारत का नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों, इसरो की सबसे बड़ी सफलता का सबसे बड़ा राज के सिवान है। के सिवान और नरेंद्र मोदी की मदद से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर पहुँचा और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए। उसी के बदौलत अब अगले साल ही गगनयान का मिशन भी कामयाब करने वाला है इसरो। गगनयान के साथ साथ मंगलयान पर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इसरो चला रहा है। गगनयान एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन होगा और इस स्पेस स्टेशन के अंतर्गत विश्व भर के देश शामिल होंगे और अनेक प्रकार के देशों से इसरो को सहयोग भी मिला है गगनयान को लेकर। कुछ ही महीनों में गगनयान को लॉन्च कर दिया जाएगा और यह स्पेस में भारत का परचम लहराएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 के साथ साथ चंद्रयान 3 का मिशन भी बहुत ही अग्रसर है और इस बार इसरो ने दावा भी किया है कि वह कामयाबी हासिल करके रहेगा। चंद्रयान 3 में इतनी बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा कि उसकी विफलता का कोई भी कारण नहीं बच पाएगा। चंद्रयान 2 में जिन सावधानियों का ध्यान रखा गया है, उसी के साथ साथ चंद्रयान 3 में भी उन्हीं सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग प्राप्त की जाएगी। दोस्तों, जहाँ पर चंद्रयान 2 लैंड किया गया है, वहीं पर चंद्रयान 3 भी होगा और उसी इलाके में चंद्रमा के बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों को उजागर करने वाला है चंद्रयान 3 का मिशन। इसरो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है उस मिशन के लिए। तो PSLV के साथ साथ अनेक प्रकार की मिसाइल्स का इस्तेमाल इसरो कर रहा है। दोस्तों, इसरो की लगातार तरक्की और इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, इसी कारण से इसरो इन 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और लगातार इन पर मेहनत को बढ़ा रहा है। इसरो की सबसे बड़ी सफलता के सिवान के अंतर्गत उन्होंने इंटरव्यू के अंतर्गत कहा है कि चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका है, उस पर हमारे लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स खुल गए हैं और अनेक प्रकार की कामयाबियां हमें चंद्रयान 2 देकर गया है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के मिशंस अब चला पा रहे हैं। चंद्रयान 2 की यही सफलता आज भी चंद्रयान 2 को जिंदा रखे हुए हैं, जिसके कारण चंद्रयान 2 का जिक्र आज भी उतना ही अहम है जितना कि आने वाले फ्यूचर्स में नए प्रोजेक्ट्स के लिए है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर चालू कर लें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने देश के लिए जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिए, ताकि इसरो को इन तीनों मिशंस के लिए बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ने की तरक्की में इसरो को बहुत ही बड़ा हौसला मिल सके। तो प्लीज़ आप जय हिंद का कमेंट अवश्य ही कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।